हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो दोस्तों? होप सो सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइस, आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ पम्पकिन सीड। जैसे कि मैं आजकल अपनी वीडियोस में आपसे डाइट जो मैंने बताई है उसका एक एक चीज़ आपसे शेयर कर रही हूँ, कितनी मात्रा में खाना है, क्योंकि इसकी क्वांटिटी का भी प्रॉपर होना ज़रूरी है। ये ना हो कि आप लोग कम खा रहे हो या फिर ज़्यादा खा रहे हो, तो वो शरीर के लिए, अगर ज़्यादा खाओगे तो वेस्ट में जाएगा। शरीर को जितना रिक्वायरमेंट होता है उतना बॉडी ले लेती है। तो मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बताया, आप ज़रूर जाकर उस पर विजिट कीजिए। उसमें मैंने हर चीज़ बताया, एलमंड कितने खाने हैं, वॉलनट्स कितने खाने हैं, मखाना कितना खाना है, और फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स की बात हम कर चुके हैं। तो अभी हम नट्स लेके चल रहे हैं। तो आज बात करने वाली पम्पकिन सीड्स की। तो पम्पकिन का सीड क्या होता है? कद्दू का बीज। कद्दू की सब्जी आप लोग शायद घर पे बनाते होंगे, कद्दू, तो उसके अंदर जो निकलते हैं सीड्स उनको बोला जाता है पम्पकिन सीड। जो पम्पकिन सीड्स हैं ना गाइस, हम लोग वैसे तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है, पर हम इस वीडियो में बात करेंगे सिर्फ पिगमेंटेशन से, पिंपल से, दाग धब्बों से, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम, जिनको रिंकल्स आ जाते हैं कम एज में, आईज के नीचे आने लगते हैं, हंसते तो यहाँ पे आने लगते हैं, माथे पे आने लगते हैं, तो एंटी एजिंग के लिए भी इसके जो बीज होते हैं ना पम्पकिन के, बहुत ज़्यादा। तो पिगमेंटेशन के लिए आप समझ लीजिए, जो पम्पकिन सीड से एक तरह का सुपर फूड माना जाता है। इसके अंदर जिंक होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट है, जिंक हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गए, इसके अंदर हाई प्रोटीन की मात्रा है, इसे विटामिन सी का मात्रा है, इसे फाइबर से भरपूर है। तो एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैंने आपको बताई है। अगर आप इसको डेली कितना खाना है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। तो पहले आज बात कर लेते हैं इसके बारे में। सो गाइस, जब हम इसको खाते हैं ना पम्पकिन सीड्स को, तो इसके अंदर ऑयल होता है। वो जो ऑयल होता है वो एंटी एजिंग की प्रॉब्लम को कम करता है। जैसे किसी की स्किन बहुत ढलकने लगती है, लाइट हो जाती है, तो पम्पकिन सीड उसके लिए बहुत बेनिफिट देते हैं। इसका जो है फेस मास्क भी बनता है, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी, पर अभी मैं खाली इसके बारे में बताने वाली हूँ। कितना खाना है इस चीज़ को ध्यान दीजिए, क्योंकि आप उतना ही खाइएगा जितना बता रही हूँ, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल सकें। जो आपको स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो रखी है, जो लोग बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, हमें क्या हो गया, तो एक तो सबसे अच्छी बात है नींद में सुधार करता है ये, ठीक है। कुछ चीज़ें बता देती हूँ आपको। ये आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो देता है, हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को मॉइस्चर रखता है। और सबसे अच्छी बात जो पम्पकिन सीड्स की है वो ये है गाइज, ये न्यू सेल बनाने में मदद करता है। इसको खाने से जो आपकी डैमेज स्किन होती है वो खुद पर खुद निकलने लगती है, आपको न्यू सेल्स जनरेट होते हैं आपकी स्किन के ऊपर। अब बात करते हैं रिंकल्स की, स्किन की केयर। कुछ लोग होते हैं बिल्कुल केयरलेस होते हैं, क्योंकि यंग एज में अपनी स्किन खुद ही अच्छी रहती है, यंग टाइम में जल्दी से ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को नहीं आती है, किसी किसी को आती है, तो ज़्यादा केयर नहीं करते हम लोग उस टाइम पर, तो इसकी वजह से जल्दी ही 30 के बाद लोगों को रिंकल्स की प्रॉब्लम होने लगती है। तो क्या होता है, ज़्यादा टाइम तक इसी केयर नहीं करने की वजह से फाइन आने लगती है, त्वचा का जो खिंचाव होता है वो खत्म होने लगता है, त्वचा एक डल पड़ने लगती है। तो इसके अंदर गाइस, तो इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, और गाइस में अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड होता है। जो एसिड होता है वो आपके स्पेशल रिंकल्स पे काम करता है, वो रिंकल्स को नहीं होने देता है, जिससे आपकी स्किन में खिंचाव बना रहता है, आपकी स्किन खूबसूरत, ब्राइट और लंबे समय तक यंग बनी रहती है। इसके अंदर जिंक होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, जो कोलेजन होता है इसके अंदर, वो आपकी स्किन के पिंपल्स को ठीक करने का काम करता है। तो पिंपल्स में भी काम करता है, पिगमेंटेशन में भी काम करता है, आपकी रिंकल्स की प्रॉब्लम में भी, ये दाग धब्बों में, हर चीज़ में पम्पकिन सीड का बहुत अच्छा यूज़ है। और विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से जो है ये आपकी स्किन में ब्राइटनेस बनाए रखता है, आपकी स्किन को जो है गोरा रखता है, साफ सुथरा रखता है, और आपको स्किन प्रॉब्लम से बचा के रखता है। अब मैं बात करूँगी सबसे इम्पॉर्टेंट, वो है गाइस इसको खाएं कैसे। तो ये कमेंट मुझे बहुत आ रखे हैं चीज़ों के लिए, इसी वजह से मैंने ये सीरीज शुरू करी। इसमें आपको पूरा डाइट का एक्सप्लेन कर रही हूँ वन बाय वन करके, तो आप वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको समझ आ सके। तो गाइस ये जो है खाना कैसे है, सबसे बड़ी बात है नट्स जो है गाइस गर्म होते हैं, और एक सुपर फूड होता है, इसमें हाई मात्रा में प्रोटीन, जिंक, कैल्शियम हो गया आपका, इसमें मैग्नीशियम हो गया, सब कुछ, फाइबर्स हो गए, सब कुछ हाई होते हैं। तो ये पचने में भी कई बार हैवी होता है, तो एक तो कोशिश करें आप सुबह खाएं, सुबह के टाइम सबसे बेस्ट माना जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम जो हमारा डाइजेशन सिस्टम होता है सूरज उगने के बाद बहुत हाई स्पीड में होता है, उस समय आप जो भी हैवी चीज़ें खाते हैं वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाती हैं, और आपको सुबह वो बेनिफिट भी आपको उसके मिल जाते हैं। तो और दूसरी बात यह है कि जितने भी नट्स हैं कोशिश कीजिए कि उनको भिगा कर खाया जाए, क्योंकि क्या होता है इससे क्या होता है, एक तो उनकी गर्मी नहीं होती, क्योंकि नट्स अक्सर गर्म होते हैं, गर्म तासीर के होते हैं, तो जिन लोगों को ऑलरेडी गर्मी होती है बॉडी में, तो उनको उनके लिए और गर्म हो जाते हैं। तो अगर आप भिगा के खाएंगे तो ध्यान रखिए 6 से 7 घंटे आप इनको भिगाइए,
अगर आप फिर खाएंगे तो इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाती है, साथ में आपको किसी तरह की हैवीनेस भी नहीं होती और जल्दी से डाइजेस्ट भी हो जाते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न मैं आपको बोलती हूँ, आपको इसको भिगा के खाना है, इससे आपको बिल्कुल अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो नट्स को कोशिश कीजिए आप करना है, भिगा के खाना है। और गाइस एक स्मॉल टेबल स्पून जो आता है उसको आप पूरा भर के पम्पकिन खा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। डेली में अगर आप सुबह सुबह देखो, आप सुबह उठने के बाद अगर आप ये भिगाए हुए बादाम है, अखरोट हैं, सीड्स हो गए, ये सब खा लेते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, उसके बाद स्मूदी बना लीजिए। मैंने आपको स्मूदी भी शेयर की हुई, उसमें बनाना या एप्पल से जो भी आपको पसंद हो वो डाल के और सत्तू डाल के उसमें चिया सीड डाल दीजिए, फ्लैक्स सीड, तो आपका ये नट्स का जो है ना कि पूरा दिन नट्स नहीं खाए, नट्स नहीं खाए, वो सुबह के टाइम में आपका फिनिश हो जाएगा। फिर आपको पूरा दिन क्या खाना है, सलाद और फ्रूट्स, बचा क्या आपका खाने में, आप खुद सोचिए ना। जो आपको सुनने में आ रहे हैं बादाम अखरोट, वो एक थोड़ी सी चीज़ें हैं, पर अगर आप सुबह उनको कर लेंगे तो पूरा दिन आप फ्री रहेंगे, कि आपकी सुबह की डाइट जा चुकी है हेल्दी, साथ में स्मूदी भी चली जाती है, फ्रूट में भी चला जाएगा आपके पेट में, तो समझो साथ में वो खाना क्या पड़ेगा, कितना ईजी हो गया ना। तो सिंपल डाइट सिस्टम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बताया आपको कितना खाना है, तो 1 टेबल स्पून आप डेली इसको खा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल दूसरी वीडियो के साथ, एक नई चीज़ के साथ मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।